कौन है आईपीएस अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार सर? यह आलेख क्रांति कुमार का है, जिसे हमने उनकी फेसबुक वॉल से साभार प्राप्त किया है। दादा दिहाड़ी मजदूर थे, माता पिता सरकारी स्कूल के शिक्षक। वंचित वर्ग से होने के कारण गांव के मध्य में घर बनाने नहीं दिया गया। गांव के बाहर किराए के मकान में रहना पड़ा। पिता ने शोषित वर्ग के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव के सवर्ण मनवादियों ने किराए का मकान जबरन खाली करा दिया। कुएं से पानी लेने के लिए माँ के साथ अलग कतार में खड़े होना पड़ता। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक हर दहलीज पर जातीय भेदभाव झेला। खूब मेहनत की, मन लगाकर पढ़ाई की, आज आईपीएस अधिकारी है। भाई कॉलेज में प्रोफेसर और बहन डॉक्टर है। प्रवीण कुमार सर नहीं चाहते थे जो जातीय भेदभाव उनके साथ हुआ किसी और के साथ हो। उन्होंने वंचित समाज को ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया। तेलंगाना सरकार आवासीय शिक्षा योजना, जिसके अंतर्गत ओबीसी एससी बच्चों के लिए 250 से ज्यादा स्कूल कॉलेज चलते हैं। इस विभाग में कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी नहीं जाना चाहता, लेकिन डॉक्टर प्रवीण कुमार ने चार्ज लेकर इस अति विशिष्ट योजना के द्वारा हजारों दलित बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाकर योजना को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार सर का मॉड्यूल और उनकी उपलब्धि, केजी से पीजी शिक्षा का प्लान तैयार किया। 8 सालों में स्कूलों की संख्या 250 से 400 तक कर दी। ओबीसी एससी वर्ग से हर साल 189 डॉक्टर्स बनते हैं। देश को बेहतर पायलट और एविएशन इंजीनियर देना। 2 लाख से छात्रों की संख्या 2.5 लाख तक पहुंचा दी और कई विशेष कार्यक्रम शुरू कर शिक्षा पर ब्राह्मणों के स्थापित अधिपत्य को तोड़ने का काम किया। भीम दीक्षा योजना, माता पिता उत्सव योजना, अंबेडकर ज्ञान केंद्र, प्रतिज्ञा दिवस, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन स्कूल कॉलेज से पढ़कर निकले ओबीसी एससी छात्रों ने डॉक्टर प्रवीण कुमार सर के मार्गदर्शन में शिक्षा में सहायता के लिए स्वायरोज नाम का संगठन बनाया है। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर ने वह कर दिखाया जिसे ओबीसी एससी नेता आज तक नहीं कर पाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर बहुजन समाज की संपत्ति है, उनकी रक्षा सहायता करना समाज का कर्तव्य है। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर का आवासीय शिक्षा मॉड्यूल अगर सपा बसपा और आरजेडी ने चलाया होता तो आज उत्तर भारत के ओबीसी एससी कांवड़ नहीं ढो रहे होते। यह आलेख क्रांति कुमार का है, जो हमने उनकी फेसबुक वॉल से साभार प्राप्त किया है।